अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर एट कटास राज और आज काफ़ी सुनहरा दिन है, काफ़ी धूप निकली हुई है और काफ़ी खूबसूरत थी। आज सुबह है, दोपहर है जिस टाइम पे हम यहाँ पे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर पर करेंगे कटास राज के टेंपल्स को। मैं यहाँ पे एक दिन पहले भी आया था, बेसिकली हम एक ग्रुप के साथ यहाँ पे टूर पे आए हैं और पहले भी मैं एक ग्रुप के साथ आया था, उस दिन काफ़ी बारिश थी। तो दोनों दिनों की फुटेज इसी वीडियो के अंदर होगी, लेकिन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा क्योंकि आज बहुत शदीद धूप निकली हुई है और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सो कटास राज की थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको कटास राज टेम्पल्स का बताता हूँ। कटास राज एक बहुत ही सेक्रेड हिंदू पिलग्रमेज साइट है और इट्स स्टीप्ड इन बोथ हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी एंड अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो अगर हम इसकी स्टोरी पे जाएं, जो कि इसका हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर हमें इसकी स्टोरी मिलती है, तो वो कुछ ये है कि बेसिकली अभी इसके अंदर एक लेक है, एक पॉन्ड है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो वो पॉन्ड की स्टोरी ये है कि जब भगवान शिव जी की बीवी सती का इंतकाल हुआ, या जब उन्होंने अपने आप को आग में झोंक लिया क्योंकि शिव जी का अपमान किया गया था उनके वालिद की तरफ से, और उन्होंने ये बर्दाश्त ना करते हुए आग में छलांग मार दी थी, और उसके बाद शिव जी बहुत दुखी हुए क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे अपनी बीवी से, और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा रोए और उनके आंसुओं से ये झील बनी है। और काफ़ी सीक्रेट जगह है हिंदू ट्रेडिशन के अंदर ये। और उसके बाद जो है इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ वक्तों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मंदिर बनते रहे। सबसे पुराने मंदिर यहाँ पे सतघरा मंदिर हैं, जो 7 मंदिरों का सेट था, अब सिर्फ 4 सर्वाइविंग हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ टाइमों पर मुख्तलिफ़ यहाँ पर टेम्पल्स बनते रहे हैं। एक और स्टोरी जो इसके साथ एसोसिएट की जाती है वो महाभारत की है, और महाभारत की जंग थी 2 कबीलों के बीच में, एक पांडु और एक कुरु। तो कुरुओं ने जब पांडुओं को शिकस्त दी तो पांडुओं ने इस जगह पर आकर, ये जो आपको इर्द गिर्द पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे केव्स हैं, तो दे टुक रेफ्यूज ओवर हियर। और बकौल स्टोरी एंड बकौल हिस्ट्री एंड बकौल द लेजेंड, दे क्रिएटेड दीज टेम्पल्स आउट हेयर, और उन्होंने बनाने शुरू किए थे। लेकिन फिर उसके बाद मुख्तलिफ दौर यहाँ आते रहे और मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। अगर हम इसको देखें दूसरे एंगल से, जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, तो उसके हिसाब से तकरीबन जो यहाँ पे अर्लीस्ट मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, वो 1500 साल पुराने हैं, जो मॉडर्न फॉर्म में हैं, यानी तकरीबन हिंदू शाही के ज़माने के अंदर वो बने हुए हैं। लेकिन उससे बहुत पहले यहाँ पर एक अशोका के ज़माने का स्तूपा भी मौजूद है, जो भी हम आपको दिखाएँगे इस वीडियो में, जिससे पता लगता है कि साइट काफ़ी पुरानी है और उस टाइम पे भी इसकी सिग्निफिकेंस थी, तभी यहाँ पर अशोका द ग्रेट ने वो स्तूपा बनवाया था। तो ये क्लेम कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और एक्चुअली महाभारत के टाइम की है साइट, दैट माइट बी ट्रू। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो जी, ये मनाजिर है कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स की अंदर वाली साइट के। आप जैसे ही यहाँ एंटर होंगे, आपको सामने दिखेगी ये छोटी सी सड़क, उसके किनारों पर लगे हुए कुछ दरख्त, और इर्द गिर्द नज़र घुमाने पर आपको दिखाई देंगी इस इलाके की नहायत खूबसूरत पहाड़ियाँ। एंड इफ़ यू आर लकी और आप यहाँ पर किसी सनी दिन के ऊपर आए हैं, तो आपको इस इलाके की खूबसूरत धूप भी मिल जाएगी, जो कि सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान के अक्सर बड़े शहरों में स्मॉग जैसे मसाइल की वजह से नहीं दिख पाती। इस सड़क के एंड पर आती है वो खूबसूरत झील जिसके नाम पर इस पूरे इलाके का नाम रखा गया है, यानी कि कटास राज। इस खूबसूरत झील को आप चाहे जिस मर्ज़ी एंगल से देख लें, जिस मर्ज़ी जगह से देख लें, और चाहे जिस मर्ज़ी मौसम में देख लें, चाहे धूप हो या फिर बारिश, इस झील का खूबसूरत हरे रंग का पानी आपको अपनी खूबसूरती से मायल करता रहेगा। एक ज़माने में इस झील के पानी का लेवल काफ़ी ऊपर तक हुआ करता था, लेकिन इस सदी के आगाज़ में इस इलाके में कुछ सीमेंट फैक्ट्रियाँ लग जाने के बाद इस इलाके का वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से इस झील में भी पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आइए जानते हैं इस इशू के बारे में थोड़ा सा और इस साइट पर मौजूद एक टूर गाइड की ज़बानी। लेकिन जब इसका वाटर लेवल ऊपर होगा तो जो भी चीज़ आएगी वो फ्लो के किनारों पर आ जाएगी, तो वो वहाँ से बासानी उठाई जा सकती। तो ये जो पानी था, इसमें सीमेंट या क्या गंद वाला आता है जो फैक्ट्रीज का है, या नहीं वो नहीं आता, मतलब सिर्फ स्प्रिंग का पानी ही ठहरा हुआ होता है? नहीं, ये ऐसा मसला है कि इसमें हल्का पानी नहीं आ रहा, लेकिन जो वाटर लेवल है वो फैक्ट्रियाँ जब उन्होंने हैवी किस्म की टर्बाइनें लगाई, बोर किए, पानी सक किया, तो वाटर लेवल नीचे चला गया, जिसकी वजह से वाटर लेवल जाने से स्प्रिंग डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, आएंगे नेक्स्ट।
अच्छा एक और चीज बता दें, वो जो वो वाली आर्क है वो क्या चीज है? वो पहले यहाँ पे कुछ था, आपको आर्च नजर आ रही है, आप डॉट कह लें उसको, उसके ऊपर स्टेप्स हैं। ये ऊपर जो आपको सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, सुंदरनाथ मिलता उसकी हवेली थी, और इसके अंदर टेम्पल है गणेश टेम्पल, ठीक है। उसके हवेली के आने वाले वहाँ से आकर अंदर वहाँ पानी पे पानी तक रसाई थी, स्नान करना, पानी लेकर जाना, और वहाँ पे बेसमेंट है जिससे ऊपर से औरतें आकर स्नान करती थी। ये आपको जो अंदर फ्रेम नजर आ रहा है इसकी 1928 की तस्वीर मेरे पास है, यहाँ पे औरतों के स्नान का कमरा हुआ करता था। अच्छा ये वाला। तो जी अब हम बात कर लेते हैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स पर मौजूद मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस जगह पर मौजूद हवन कुंड। इस स्ट्रक्चर को बारह दरी भी कहा जाता है, और ये स्ट्रक्चर इस झील के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। यहाँ से आप नहायत खूबसूरत व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं इस जगह के। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर को अभी रिसेंटली रिस्टोर भी किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर वाइट मार्बल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसके अलावा कुछ लकड़ी का और पेंटिंग्स का काम भी दोबारा किया गया है, और ओरिजिनल काम को रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। और हवन कुंड से निकलने के बाद हम आ गए इस टेंपल कॉम्प्लेक्स पर मौजूद शिव टेंपल के अंदर। ये एक छोटा सा मंदिर है जो आज भी फंक्शनल है, और यहाँ पर पूजा की जाती है। इस टेंपल के अंदर शिव जी की बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा शिव जी और पार्वती जी की मुख्तलिफ तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिव जी से मुतल्लिक बहुत सी और चीज़ें भी रखी गई हैं, जैसे कि त्रिशूल, शिवलिंग, और इसके अलावा एक बैल की मूर्ति जो कि शिविज़्म की पहचान माना जाता है। ये जब 2007 में खुश्क हुआ था ना, उसकी हमने सफाई कर रखी है एक्सवेटर मशीन के साथ। ये अंदर से निकला, इस मंदिर के आसपास बहुत से और छोटे मंदिर भी मौजूद हैं, लेकिन आजकल उन मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती और कोई मूर्ति भी नहीं पड़ी हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो साइन बोर्ड जिसके ऊपर इस टेंपल की तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। देखिए जी, ये एक यहाँ पे छोटा सा टेंपल है कटास राज के ऊपर, और इसकी एंट्रेंस के लिए काफ़ी नीचे हमें जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। सो कटास राज के ऊपर काफ़ी कम मंदिर हैं जिनके अंदर अभी आजकल पूजा वगैरह होती है। मोस्ट ऑफ देम आर एम्प्टी, और लेकिन ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने स्विच सॉकेट भी बनाए हैं, और नीचे इन्होंने मार्बल लगाया कुछ टाइम पहले। सो नॉट ऑल ऑफ द टेम्पल्स आर वेल टेकन केयर ऑफ, बट लाइक सम ऑफ देम आर वेल प्रिजर्व्ड, द अदर्स आर जस्ट लेफ्ट एज दे आर। और इन मंदिरों की ऑपोजिट साइड पर अगर आप झील से ऊपर की तरफ जाना शुरू करें तो वहाँ पर आपको ये सीढ़ियाँ दिखेंगी, और ये सीढ़ियाँ लीड करती हैं यहाँ पर मौजूद हनुमान मंदिर की तरफ। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स पर मौजूद हनुमान मंदिर भी उन कुछ टेंपल्स में से एक है जहां पर आजकल पूजा की जाती है, और इस टेंपल के अंदर मौजूद ओरिजिनल आर्टवर्क आज भी सरवाइव कर रहा है। इसके अलावा इस टेंपल पर रिसेंटली रेनोवेशन भी की गई है। ये हनुमान की मूर्ति है, ये मैंने इसको दोबारा रेनोवेट किया है 2014 में। और हनुमान मंदिर के बाद अब हम पहुंचे हैं रामचंद्र टेंपल के ऊपर। ये इस साइट पर मौजूद सबसे बड़े टेंपल्स में से एक है, तो आइए इसके अंदर चलकर देखते हैं। आज क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है? आज एक देखने में देखे
ये जो नीचे आपने तालाब देखा ना पानी वाला, जैसे ये सी ऊपर जा रही है ना, ऐसे यहाँ से अंडर उसी पानी में जा रही है। पार्टीशन पहले नहीं, लोग यहाँ पे मौजूद थे ना, जो औरतें समंदर में यहाँ पे रह चुकी हैं वो नहाने के लिए पर्दे में जाती है, पर्दे में वापस आती है। इसके बाद हमने इस टेंपल के ऊपर वाली मंजिलों पर जाने का फैसला किया और उसके लिए रास्ते में ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिसके ज़रिए से आप ऊपर जा सकते हैं। इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर वो रोशनदान है जहाँ से पुराने ज़माने में रोशनी नीचे आया करती थी और आज भी जो रोशनी आप देख रहे हैं ये इन्हीं रोशनदानों से छन कर हम तक पहुँच रही है। ये कुछ मनाजिर हैं रामचंद्र मंदिर की सबसे ऊपर वाली मंजिल के। इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट वन का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इस टेंपल कॉम्प्लेक्स पर मौजूद कुछ और स्ट्रक्चर्स की, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा।